ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सोलन में खंड विकास अधिकारी के कार्यालय में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता विधायक धनीराम शांडिल ने की। धनीराम शांडिल ने विकासात्मक कार्य को लेकर समीक्षा की और रुके हुए कार्यों के बारे में जानकारी हासिल की और प्रतिनिधियों को जल्द विकास के कार्य को पूरा करने के निर्देश दिए। सोलन में खंड विकास अधिकारी के कार्यालय में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता विधायक धनीराम शांडिल ने की। धनीराम शांडिल ने विकासात्मक कार्यों को लेकर समीक्षा की और रुके हुए कार्य के बारे में जानकारी हासिल की और प्रतिनिधियों को जल्द विकास के कार्यों को पूरा करने के निर्देश दिए। इस मौके पर प्रधानों समेत जन प्रतिनिधियों ने भाग लिया और अपनी अपनी समस्याएं विधायक और अधिकारियों के समक्ष रखी, जिन्हें अधिकारियों ने जल्द हल करने का आश्वासन भी दिया। अधिक जानकारी देते हुए विधायक धनीराम शांडिल ने बताया कि वे हर 45 दिनों में विकास का जायजा लेने के लिए बैठक का आयोजन करते हैं। आज ये समीक्षा बैठक विकास खंड अधिकारी के कार्यालय में आयोजित की जा रही है, जिसमें अधिकारियों और जन प्रतिनिधियों से विकास से जुड़े मुद्दों पर गहन चर्चा की गई और विकास के कार्यों को समय सीमा में पूर्ण करने के लिए निर्देश दिए गए। उन्होंने बताया कि सोलन डमरोग मार्ग की हालत बेहद खस्ता है, जिसे ठीक करने के लिए आदेश दिए गए हैं। समीक्षा मीटिंग है वो हो रही है, लगभग 45 दिनों के अंतराल में हमारी ये मीटिंग हुआ करती है। इस मीटिंग का उद्देश्य होता है कि हम जो दिया गया पैसा है उसका निष्पादन, उसका खर्चा या उसकी इम्प्लीमेंटेशन ग्राउंड पे ठीक हुई है कि नहीं, और अगर किसी प्रकार की किसी प्रोजेक्ट में या किसी काम में कोई देर है या किसी प्रकार की डिफ़िकल्टी है, जैसे कि प्राइवेट लैंड आ जाता है, कोई फॉरेस्ट इश्यूज आ जाते हैं या किसी प्रकार की और टेक्निकल सॉर्ट ऑफ डिफ़िकल्टी है, उसको सॉर्ट आउट करने के लिए और उसमें उन चीज़ों में एक तो पटरी पे बैठे और वो जो हमारे प्रोजेक्ट हैं, जैसे फॉर एग्जांपल पिछले मेरर कोड ऑफ कंडक्ट इलेक्शन पहले हमारी 15 स्कीमें जो जिनमें काम चला था वो पूरी हो चुकी है और लगभग कोई 15-20 लाख की स्कीमें थी जो मेरे को लगता है पूरी हो चुकी है, और कोई 16 स्कीमें जिनकी आज हम कर रहे हैं, जो जिन पे भी काम चला हुआ उसमें कईयों में किसी वजह से काम नहीं हो रहा या किसी प्रकार से काम रुक गया है, जैसे प्लेग्राउंड है, कोई छोटा रास्ता है, पैदल रास्ता है, या किसी किसी इलाके में फॉरेस्ट की कोई क्लियरेंस की ज़रूरत है, उन सब चीज़ों को आज हम कर रहे हैं। हाँ, मैं कल देख के आया हूँ सुरखी में, उसकी हालत वाकई खस्ता है। मैंने PWD को भी और वहाँ की कॉरपोरेशन, आधा हिस्सा वहाँ कॉरपोरेशन का है, उससे आगे का हिस्सा PWD का है, कॉरपोरेशन को बता दिया है कि जितने भी धन की है उसको जल्दी किया जाए, जहाँ पे खास पानी खड़ा हो जाता है, और वैसे भी रोड की हालत खस्ता है, मैंने देखी है कल, उस पर काम शीघ्र ही शुरू कराने के लिए हम निर्देश दे चुके हैं। मुझे पूर्ण आशा है कि PWD भी काम करेगी और हमारी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन भी काम करेगी, मैंने उनको कल ही बताया, तो बात सही है। तो ये था आज दिन भर का कार्यक्रम, कल फिर हाजिर होंगे नई गतिविधियों के साथ, आप ऐसे ही जुड़े रहिए एसटीडी के साथ। नमस्कार।